ये किताबी टट्टू नहीं हूं मैं कोई यूट्यूब का वो नहीं हूं कि जो निकलेगा और देखेगा और उसके बाद आएगा। पहले कहा था कि न्यूजीलैंड आज मैच जीतेगा, दूसरा कहा था न्यूजीलैंड की तरफ से 100 आएगा, तीसरा कहा था आज कनवाए अंडे में आउट नहीं होगा, चौथा कहा था विलियमसन ने अगर बाद में बारी ली है तो इज अ वेरी क्लेवर कैप्टन, वो वैसे नहीं आया। पांचवा आपको मैंने कहा था कि अभी मैच खत्म नहीं हुआ, अगर 183 से उनका कोलैप्स हुआ तो पाकिस्तान कोलैप्स का मास्टर है। और जो 37 रन सेंटनर ने डाले हैं, एक और चीज जो मैंने बहुत पहले कही थी, आज सारे कहते हैं और कुछ तो आगे बढ़ के मुंह में डाल लेते हैं बाबर को, कुछ बाबर के खिलाफ बोलते हैं, बाबर सेल्फिश इनिंग खेलता है। कल शनाका का 100 आया लूजिंग कॉज में, आज 79 अकेला खेल रहा था। अगर सलमान 100 के स्ट्राइक रेट प्लस पे गिर रहा, उसे रन आउट करवा दिया। वसीम जूनियर ने अपना विकेट सैक्रिफाइस किया, रन आउट करा दिया। नवाज उसमें जब इनिंग्स ब्रेक हुआ, यस हमने रोक लिया, इट वुड बी अ इजी चेस फॉर पाकिस्तान, यस बिकॉज न्यूजीलैंड छुआरे लेने आए। मैं इजी तो नहीं कहा था उसने, कहा था इट वुड बी अ स्ट्रेट फॉरवर्ड चेस। अब देखिएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा, 3 स्पिनर है उनके पास। सर आप चेक कीजिएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप एक दफा देखिएगा, इट शुड बी अ स्ट्रेट फॉरवर्ड बैटिंग वन, आप ये देखिएगा। चले चले अभी ये बहस नहीं है ना, अभी जो मैं बात करने जा रहा हूं आप वो सुनिए। अच्छा जी ठीक है जी, पहले मैंने आपको कहा था उनके पास 4 स्पिनर है और विलियमसन 5वां स्पिनर हो सकता है, कहा था आपसे मैंने। फिलिप्स ने एक विकेट लिया, आप अंदाजा लगाएं ये जो मोहम्मद रिजवान है, कैच इससे नहीं पकड़े जाते, बैटिंग इससे नहीं होती। अगर हारिस सोहेल और आगा सलमान वनडे में भी बैट्समैन नहीं है, नहीं है, आखिरी बात ले ले, निकल के चल लेना। मोहित द्रव गैंग, आप पता लगे न्यूजीलैंड नंबर 1 ओडीआई में है, हैट्स ऑफ जनाब मोहसिन भाई। चलो आपको पता लग गया कि नंबर 1 क्यों है, आप कल कह रहे थे। कपिल कामले कह रहे जनाब, देयर इज ओनली 1 चेज मास्टर इन दिस डेकेड, कोहली, बाकी सब सेल्फिश है, अनएजुकेटेड फैंस शुड रियलाइज। और साथ में जनाब उत्कर्ष सैनी जी कह रहे जनाब, सिर्फ प्लीज डोंट माइंड, बट टूडे बाबर आजम वॉज टोटली प्लेइंग फॉर हिमसेल्फ ओनली, बींग अ कैप्टन यू कांट इन पीस। और मोहसिन को ये क्यों कहते हैं, आपको 100 साल लगेंगे, 100 साल मोहसिन अली बनने में, जले कुड़े मरे। एक और बात मैं करना यहां चाहूंगा, रिजवान हैदर चैनल, क्योंकि रिजवान हैदर चैनल पे ही सारी बड़ी खबरें मैंने आज तक दी है, तो आज भी दूंगा। वाह वाह वाह, नजम सेठी साहब, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ये आपके पिता श्री की नहीं है, जैसे मैं ये बाकियों के लिए कहता था। हाँ जी, आप पूरा जहाज भर के ले गए क्रिकेट बोर्ड के पैसों में, क्यों वजह? और ये शकील शेख साहब, आप पावरफुल मेंबर गवर्निंग बोर्ड के मेंबर थे, पहले भी यही कारनामे आपके थे, दोबारा आपने वही रौनक चेहरे पे, वही स्टाइल। दोस्तों ऑन स्क्रीन आप देख रहे थे गाइस पाक मीडिया का रिएक्शन ऑन पाकिस्तान लॉस सेकेंड ओडीआई मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड के खिलाफ गाइस। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, ऐसी तमाम वीडियोस और अपडेट जो है मैं इस यूट्यूब चैनल पे लेके आता रहता हूँ गाइस। वन सेकेंड आपको बता दूँ, ऑन स्क्रीन आप देख रहे थे आप पाक मीडिया का रिएक्शन ऑन पाकिस्तान लॉस सेकेंड ओडीआई मैच वर्सेस न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए गाइस। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।